6.5 hours later. आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक तिवारी, स्वागत करता हूं आज आपका हमारे पंडित जी व्लॉग चैनल में। तो आज की वीडियो जो है सेकंड पार्ट रहने वाली है, फर्स्ट पार्ट मैंने चैनल पे बना रखा है टू नो ऑल अबाउट योर एसी कंट्रोल्स। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं इस कार का एसी कंट्रोल्स के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ इस वीडियो में। पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पे, जो कि ऑल्टो कार का एसी कंट्रोल के बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, उस वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है और काफ़ी कमेंट भी आया। देन मैं ये सेकंड पार्ट बनाने जा रहा हूँ। तो गाइस, आज की वीडियो में हम इस कार का जो एसी कंट्रोल है इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे, ठीक है। इसमें क्या ख़राब होता है और ये कैसे ऑन ऑफ एंड इसका टेम्परेचर कैसे मेंटेन हमको रखना है। तो दोस्तों, जो ये कार है ये है ग्रैंड आइटन ह्यूंडई की CIDI इंजन, और इसके अंदर ये जो AC कंट्रोल आपको दिख रहे हैं ये काफ़ी बढ़िया हैं। कुछ गाड़ी में छोटा आता है, कुछ गाड़ी में बड़ा आता है, किसी में बटन वाला आता है, किसी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि आप Hyundai Grand i10 के AC को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इन सभी कंट्रोल्स यूनिट के बारे में बताने से पहले मैं पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूं। तो आइए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। पहले इससे पहले बता दूं, यदि आपने हमारे पंडित जी व्लॉग चैनल को अभी तक यार सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी ऑन करो ताकि हमारी नई से नई वीडियो आपको तुरंत की तुरंत मिले। तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है पूरे तरीके से, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो आइए हम कंट्रोल्स के बारे में बात करते हैं। तो जो ये पहला कंट्रोल्स आपको दिख रहा है ये है हमारा टेम्परेचर कंट्रोल। इससे हम गाड़ी के टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएंगे। तो पहले ही बात करते हैं हम नंबर वन कि एसी को कैसे ऑन करें। तो गाइस, जो पहला बटन दिख रहा है ये हमारा एसी का है, इसको हम प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमें फ़ैन को नंबर वन यूनिट पे करना है। तो हमने नंबर वन स्पीड पे कर दिया और ये बटन को हमने प्रेस किया। तो जैसा कि आपको दिख रहा है एसी के बटन में कुछ लाइट ब्लिंक हो रही है, इसका मतलब हमारा एसी स्टार्ट हो चुका है। और ये जो हमने टेम्परेचर कर रखा है एकदम कम पे कर रखा है, इसका मतलब ज़्यादा कूलिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी हमारी एसी की। और ये है हमारा फ़ैन का स्पीड, जिसको हम ज़ीरो पे करते हैं तो हमारी फ़ैन बंद हो जाती है और इसको हम अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। इसको 2, 3, 4 पे कर देने पे हाई स्पीड आपको मिलेगी यहाँ पे। और जैसा कि आप लोग महसूस कर पा रहे होंगे कि अभी एसी ऑन हो चुका है गाड़ी का और काफ़ी कूलिंग हो रही है। ये तो बात हो गई एसी की। अब सेकंड चीज़ है इस, ये फ़ैन यूनिट है और ये जो थर्ड यूनिट दे रहा है इस नॉब के बारे में मैं ध्यान आना चाहता हूँ कि ये जो आपको डॉट दिख रहा है, तो ये जो दिख रहा है इसका मतलब जो हमारा है एयर वो आगे की साइड आएगा, पैसेंजर साइड, ड्राइवर साइड, फ्रंट साइड। और इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं सेकेंड वाले पर, तो इस पर कुछ जो एयर है हमारे पैरों पे आएगी और कुछ एयर हमारे फेस पे आएगी। और इसको एक बार और मूव कर देते हैं तो जो सारी की सारी एयर है हमारे पैर पे जा रही है, ठीक है। और नंबर 4 पे करते हैं तो क्या होता है कि सर्दियों में फॉग जमा हो जाते हैं शीशे के अंदर, तो उसको क्लीन करने के लिए ये जितनी भी हवा है हमारे पैरों पर और हमारे विंडशील्ड पर जो कि यहाँ से आ रही होगी सारी, यहाँ पर जितनी भी फॉग या जो जमा हो जाती है उसको साफ कर देता है। और अगर हम इसको लास्ट में घुमा देते हैं यहाँ पे, तो ये सारी हवा विंडशील्ड पे हमारे जा रही है सारी की सारी। तो इसका मतलब आपने समझ लिया, इसका मतलब आपने समझ लिया ये फ़ैन स्पीड के लिए है, कितनी स्पीड आपको चाहिए। और ये टेम्परेचर यूनिट है, ये एसी का बटन ऑन ऑफ करने का ये ऑफ हो चुका है। एंड जो इधर दो बटन दिए हुए हैं इसके बारे में मैं बात करूं, तो ये वाला जो बटन है इसका मतलब है कि आपके कार की अंदर की एटमॉस्फेयर वही रिफिल होके आपको दोबारा आ रही है। और ये जो सेकंड है
इस पर क्लिक करेंगे, इसका मतलब जो बाहर की एयर है वो अंदर आएगी, उसको कार अंदर आपके तरफ प्रोवाइड करवाएगी। सो बेस्ट ऑप्शन है इसको अंदर की हवा, अंदर के एटमॉस्फेयर को अंदर ही लिया जाए, ठीक है। तो अब लास्ट जो है हमारा सवाल आता है कि हीटर कैसे ऑन करें, क्या हीटर ऑन करने के लिए हमें एसी ऑन करना पड़ता है? तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हीटर ऑन करने के लिए आपको एसी ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको फ़ैन का स्पीड बढ़ा देना है और आपको टेम्परेचर जो ये यूनिट है, टेम्परेचर नॉब है, इसको आपको रेड पे कर देना है। इसको हम रेड पे कर देंगे तो हमारा हीटर चालू हो जाएगा और कम से कम हमारी गाड़ी को हीट होने में 15 से 20 मिनट लगेगा, ठीक है। तो आपकी गाड़ी हीट होना शुरू कर देगी, जैसा कि अभी यहाँ से कुछ गर्म हवा आने लग रही है क्योंकि हमारा इस समय एसी बंद है। सो गाइज वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, जैसे पहली वीडियो को आपने प्यार दिया है, रिस्पॉन्स दिया, वैसे इस वीडियो को। So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one.